स्वागत है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी भगाने वाली रेसिपी, जिसको आप सप्ताह में दो बार भी खाएंगे तो एकदम एनर्जी से भरपूर रहेंगे और सर्दी कोसों दूर रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी बनने वाली है, ऐसी है कि इसको आप बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी से भरपूर है ये। यहाँ पर मैंने पैन गरम होना रख दिया है। बस सबसे पहले हम फूल मखाने लेंगे, उनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसमें थोड़ा सा घी डालकर। ये यहाँ पर मैं आधा टीस्पून बस घी का यूज कर रही हूँ, एक टीस्पून तक आप कर सकते हैं। पहले मैंने ये मखाने जो मेरे पास हैं फूल मखाने का यूज कर रही हूँ, हल्के से रोस्ट करके रखे थे पर हल्के से ये सील गए हैं, इसलिए दोबारा से रोस्ट कर रही हूँ इनको। रोस्ट करने से क्या एकदम क्रिस्पी से हो जाते हैं बढ़िया से। बस सिम आँच पर रोस्ट करेंगे इसको, 3-4 मिनट में ही हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये एकदम कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इनका सेवन जरूर करना चाहिए हमें सर्दियों में। ड्राई फ्रूट यदि आप डाइटिंग पर भी हैं तब भी लेने चाहिए, इनसे क्या है हमें विटामिन्स वगैरह मिलते रहते हैं, कोई शरीर में हमारे कमी नहीं होती, जो कुछ कमी होती है उनकी पूर्ति होती रहती है इन सबसे। बस देखिए, जब हमारे ये रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से, इस तरह हाथ से दबाने पर एकदम बिखर जाते हैं अच्छे से। बस इस तरह से चेक कर सकते हैं आप इसको, और एकदम हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाता है, बिल्कुल हल्का सा सुनहरा सा इनके ऊपर। और हाँ दोस्तों, इसके बनाने में ज़्यादा इस रेसिपी को मेहनत भी नहीं लगती, आप एक बार बनाकर महीनों तक यूज कर सकते हैं इसका, बनाकर रख सकते हैं जिस तरह से मैं बनाना बताऊँगी आपको। और बच्चों को कभी भी छोटी छोटी भूख लगे तो आप दे सकते हैं इसको। इन्हें बस एक बोल में निकाल लेते हैं। अभी दूसरी चीज़ें भी इसमें इसी तरह से रोस्ट करेंगे। अब हम थोड़े से ओट्स ड्राई रोस्ट करेंगे, बस उनको एकदम बिना घी डाले इस तरह से। प्लेन ओट्स का यूज कर रही हूँ मैं इसके लिए। ओट्स तो दोस्तों हमारे एकदम बढ़िया एकदम ब्रेकफास्ट है, आप कभी भी इनको बनाकर खा सकते हैं, नमक वाले भी बनाकर खा सकते हैं, दलिया टाइप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। बस इसको भी रोस्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आँच को एकदम सिम पर रखना है, और थोड़ा हैवी बॉटम वाले बर्तन का यूज़ करिए, उससे क्या है थोड़े बढ़िया से एकदम भुन जाते हैं ये और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, खुद से ही पता चल जाता है कि ये रोस्ट हो गए हैं अच्छे से, बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। दोस्तों इस तरह का नाश्ता है ये जो ओट्स वगैरह है, आप इसको थोड़ा सा खा कर भी काफ़ी समय तक के लिए अपनी भूख को कंट्रोल में कर सकते हैं, बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो इसका यूज़ ज़रूर से करिए, सेवन करिए इसका ज़रूर से अपनी डाइट में, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी भी बनते हैं। अगर आप मैगी मसाला डालकर भी बनाएंगे इनको इस तरह से, और खीर वगैरह बनाकर भी यूज कर सकते हैं। बस हमारे ये भी देखिए बातों बातों में भुन गए हैं अच्छे से, इनको भी निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। बस ये वापस से मैंने एक टीस्पून घी और लिया है, बहुत ज़्यादा घी का यूज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस इतना ही घी यूज होने वाला था इसमें। इसको अच्छे से घी को गर्म हो जाने देते हैं। इसमें अब हम बढ़िया बढ़िया से ड्राई फ्रूट का यूज़ करेंगे, जिसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और दिमाग के लिए। यहाँ पर मैंने अखरोट का यूज किया है, 1/4 कप अखरोट डाल दिए हैं इसमें, अखरोट की गिरियाँ, और इतने ही मैं बादाम डाल रही हूँ। सबकी क्वान्टिटी सेम रखने वाली हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स की। इतने ही हम काजू लेंगे इसमें, और इतने ही पिस्ते लेंगे, सब चीज़ बराबर बराबर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बादाम तो सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए, अगर दूसरे ड्राई फ्रूट नहीं भी खा रहे हैं आप, इनमें क्या है काफ़ी प्रोटीन होता है और बच्चों को खिलाने चाहिए अखरोट और बादाम तो ज़रूर से। बस अभी ये मैं यहाँ पर पिस्ते डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, साइज में भी थोड़े छोटे होते हैं, और आँच को सिम पर रखें जब इनको भुने, हल्का सा बस हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाता है, 3-4 मिनट ही लगती हैं बस। इस रेसिपी को शुरू में ही बनाने में आपको टाइम लगेगा, बनाकर तैयार करके रख सकते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया, महीनों तक आप फिर फटाफट से बनाकर इसका मजा ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, इनका भी सर्दियों में ज़रूर से हमें यूज करना चाहिए किसी न किसी रेसिपी में, सर्दियों में ही ज़्यादा खाए जाते हैं तिल वगैरह सब, इनका ज़रूर से यूज करते हैं, लड्डू वगैरह भी बनाते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये कद्दूकस किया हुआ मेरे पास गोला है, जिसको हम खोपरा बोलते हैं सूखा वाला, उसको कद्दूकस करके डाल दिया है मैंने, ये भी इसके साथ भून जाएगा। बस जिस समय पे मैं जो डाल रही हूँ वैसे ही डालिए एकदम। बस अभी हम गैस बंद कर देंगे गोला डालने के तुरंत बाद, क्योंकि हमारा ये काफ़ी बर्तन है भी, ये तो जल्दी से बस ये सब भुन जाएंगे और इसको ठंडा होने देंगे हल्का सा। और चीज़ें बताऊँगी मैं इसमें हमें क्या क्या मिलानी है, किस तरह से तैयार करना है।
और बीच बीच में इस तरह से चलाएंगे, क्योंकि नहीं तो जो ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। तो जो भी थोड़ा सा गर्म है हमारा बर्तन इसकी वजह से, ये तीन चार इलायची के जो सफ़ेद वाली इलायची होती है उसके दाने डाल दिए मैंने। अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल दीजिए, इसकी बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है इसमें। बस ये भी ठंडा हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। जिसमें हमने पहले से ओट्स रोस्ट करके रखे हैं उसी बोल में निकाल लिया है मैंने इसको भी। बस गैस मैंने बंद कर दिया है दोस्तों, बार बार कैमरा लगना करना पड़े इसलिए मैं आपको यहीं पर दिखा रही हूँ। जो हमने ये रोस्ट करके रखे हैं इनको डाल लेते हैं मिक्सिंग जार में। ये यहाँ पर एक टेबल स्पून सौंठ का यूज़ कर रही हूँ मैं, इसका ज़रूर से यूज करिए, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है एकदम, बहुत बढ़िया रहती है, सर्दियों में यूज करनी चाहिए हमें। ये आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर एकदम तुरंत बनाकर यूज करिए, पहले का ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, तुरंत का यूज करना चाहिए हमें। ये यहाँ पर 10-12 धागे में केसर के डाल रही हूँ, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर से डालिए, नहीं तो फिर चौथाई टीस्पून इसमें हल्दी डाल दीजिए, बल्कि आधा टीस्पून, उससे कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी और बहुत अच्छी होती है सर्दियों के लिए, कलर भी आ जाएगा बढ़िया सा। जो हमने रोस्ट करके रखे हैं उसमें से आधे मखाने डाल देते हैं इसमें और इसको बस पीस लेते हैं पल्स मोड पर, एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। बस दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह का पीसना है पीस का। बस देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है, मैंने इसी बर्तन में निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं फैलाएंगे हम, ये हमारा बनकर तैयार है। बस अब जो मखाने हमने बचा कर रखे हैं इनको भी इसमें बस मिक्स कर देते हैं। इसमें हम मीठा वगैरह भी कुछ भी नहीं मिलाएंगे शुरू में, अभी हमारा प्री मिक्स तैयार है, इसको आप 15 दिन तक रख सकते हैं आराम से किसी भी कंटेनर में भर के, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में रखें, बाहर भी रख सकते हैं और तुरंत के तुरंत बनाकर यूज कर सकते हैं, केवल 3-4 मिनट लगते हैं इसको बनने में। अभी मैं आपको इससे बनाकर दिखाऊंगी रेसिपी। ये यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, 3 कप दूध डाल रही हूँ मैं मेजरिंग कप से, इससे 4 लोगों के लिए आराम से बन जाएगा, जितना हमें 4 लोगों को यूज करना चाहिए। मीडियम सी कटोरी है मेरे, 4 कटोरियों में डालूंगी मैं इसको और दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है बस इस तरह से, और मैंने इसकी मलाई उतार ली है दूध की, मैं एकदम कम फैट वाले दूध का यूज़ कर रही हूँ, आप कैसे भी दूध का यूज कर सकते हैं इसके लिए। बस इसमें से 6 चम्मच भर के डाल देंगे हम इस तरह से, अगर हमें गाढ़ा बनाना है, अगर थोड़ा सा पतला रखना है तो दोस्तों 5 चम्मच का यूज करिए इसमें इस तरह से, ये चावल खाने वाली नॉर्मल चम्मच है मेरे पास। और इसको डालते समय जब भी आप इसको डालें थोड़ा सा गैस को सिम पे कर दें, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी हल्की सी गांठें आ जाती हैं इसकी वजह से, जो हमने ओट्स का यूज किया है। बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं पकाना है, बस 4 से 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकाएं बस मीडियम फ्लेम पर। अभी हमारा ये तैयार है, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया, अगर आपको थोड़ा सा पतला रखना है जैसे मैंने पहले ही बताया, बस थोड़ा सा कम डालिए। और ये यहाँ पर मैं गुड़ के पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, जिसको हमारे यहाँ पर शक्कर बोलते हैं, इसमें शक्कर का यूज करिए या गुड़ का ही पाउडर करके, ये क्या है बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है सर्दी में और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, गुड़ तो हमें वैसे भी खाना ही चाहिए ज़रूर से। इतनी सुपर टेस्टी रेसिपी बनती है दोस्तों, लाजवाब, आप कभी भी बना सकते हैं ऐसे तो ऐसे, आप कोई गेस्ट आए तो खीर की जगह भी बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए बस इसको सर्व कर लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सर्दियों में ज़रूर 1-2 बार सप्ताह में बनाकर इसको खाइए, इस तरह से आपकी सर्दी दूर भागी रहेगी और कोई भी घुटने वुटने का दर्द नहीं रहेगा, खून की कमी नहीं होगी, यकीन मानिए दोस्तों। इतने ड्राई फ्रूट का आप यूज़ करेंगे तो, और वैसे भी हम बच्चों को खिलाते हैं कई बार देना भूल जाते हैं, इस तरह से बनाकर देंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जैसे मैंने बोला लाइक करिए, ज़रूर से शेयर करिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, थैंक यू।